हमारे पास सारा सामान तैयार है, तो ये रेसिपी 15 से 20 मिनट में बन जाएगी। ये बड़े साइज की एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने ऐसे क्यूब में काट लिया। ये 2 अदर टमाटर है, एक प्याज है, हाफ कटोरी केचप, 2 चम्मच है हमारे पास सोया सॉस, 1 चम्मच है चॉप किया हुआ लहसुन, 700 ग्राम है चिकन, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, चीनी 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा खाने का चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, जीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच। अब सबसे पहले हमें 2 अंडे चाहिए। फूड कलर है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और जो है नमक है, थोड़ा सा डालेंगे कुकिंग ऑयल। चलो अब इसी बर्तन में हम डालेंगे अपने फेंटे हुए अंडे, इनको पकाएंगे। ये चलो हमारा अंडा हो गया तैयार, हम इसको निकाल लेंगे। डालेंगे अब थोड़ा सा ऑयल, और ये सिर्फ लहसुन है हमारे पास चॉप किया हुआ। अब डाल देंगे इसमें हम अपना चिकन, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हम इसे रोस्ट करेंगे इधर। हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने सारे मसाले, सोया हेलो सॉस, थोड़ा सा डालेंगे अब हम इसमें पानी, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से गोश्त के साथ लग जाए। अब हेलो इसमें शामिल करेंगे हम केचप, तरफ हम थोड़ी सी अपनी सब्जियां जो हैं वो क्रंची कर लेंगे। ये हम ना इनको 15 से 20 सेकंड ही करेंगे बस, थोड़ा सा फ्राई। दोस्त ये टमाटर हैं, इनमें होता है थोड़ा सा पानी छोड़ देना था, इसलिए हमने इनको इधर डायरेक्ट डाल दिया। अब ये अंडा जो फ्राई किया था हमने, अब वो डाल देते हैं एंड पे। ये लगी, अब हम करेंगे इसे डिश आउट।